देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर। प्रेम संबंध में बाधा बनने पर दादी पोते की निर्मम हत्या कर आरोपी ने दी जान। दिन दहाड़े हजारी पहाड़ परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने कृष्णनगर निवासी 60 वर्षीय वृद्धा और एक 10 वर्षीय बालक की निर्ममता से हत्या कर दी। प्रेम संबंध में बाधा बने प्रेमिका की दादी और उसके भाई पर चाकू से वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मृतका हजारी पहाड़ कृष्णनगर निवासी प्रमिला धुर्वे और बालक यश मोहन धुर्वे बताया गया है। हत्या के बाद देर रात आरोपी मोइन खान वल गुलाब सरवर ने मानकापुर पुलिया के नीचे ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को रात 11 बजे आरोपी की आत्महत्या की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कर रेलवे ट्रैक पर पड़े आरोपी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल भेजा। जानकारी है कि आरोपी मोइन से गुंजन धुर्वे की पहचान करीब 1.5 वर्ष पहले इंस्टाग्राम पर हुई। युवती श्री मोहिनी कॉम्प्लेक्स चौक स्थित रायसोनी कॉलेज में पढ़ती थी और आरोपी कोई कामकाज नहीं करता है। कुछ ही समय में दोनों की गहरी दोस्ती हो गई थी जिसके बाद उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई। गुंजन के माता पिता प्रेम प्रकरण के सख्त खिलाफ थे। मामला आगे न बढ़े इसलिए माता पिता ने लड़की के बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके लिए लड़के और लड़की के परिवार वालों के बीच 15 दिन पहले उसी के घर में बैठक भी हुई। इसमें दोनों को समझाकर अलग होने के लिए कहा गया जिसके बाद परिवार वालों ने लड़की का फोन लेकर उसे अपने मामा के घर भेज दिया। कई दिनों से उसके कहीं दिखाई न देने पर आरोपी बौखलाया हुआ था। 5 दिन बाद आरोपी उसे ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंचा। वह उसने गुंजन के बारे में पूछा। न बताने पर आरोपी ने परिवार के साथ गाली गलौज कर काफी झगड़ा किया और मृतक यश के साथ मारपीट भी की। इसके बाद वह घर से चला गया। परिवार वालों ने इसकी जानकारी पार्षद चौधरी को दी। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने का सुझाव दिया लेकिन किसी कारणवश उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत नहीं की। घटना के दिन शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे वह दोबारा युवती के घर गया। घर में युवती की दादी और उसका छोटा भाई था। उसने दादी से युवती का पता पूछा लेकिन कोई जानकारी नहीं देने पर बौखलाए युवक ने चाकू से कई वार कर दादी को मौत के घाट उतार दिया। दादी को खून में लथपथ देख पोता यश भागने की कोशिश करने लगा लेकिन मोइन ने उसका पीछा कर चाकू से उसके गले पर कई वार कर दिए और बालक को भी मौत के घाट उतार दिया जिसके बाद आरोपी मोइन फरार हो गया। इस घटना से मृतक के परिवार में शोक का माहौल है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। MNS न्यूज देखो सोना चांदी जीतो। सोमवार से रविवार में बताए जाने वाले न्यूज में पूछे गए 3 सवाल का सही जवाब भेजे और सोना चांदी जीते। मोबाइल से व्हाट्सएप नंबर पर अपना सही जवाब टाइप करें MDSCJ और पूछे गए सवाल का सही जवाब इस नंबर पर भेजे 9552838179।